व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल आया है और ये सवाल है आकाश प्रजापति जी के तरफ से। आईआरबी इंफ्रा पर राय जानना चाहते हैं। 1300 शेयर होल्ड कर रहे हैं 72 के भाव से। बिनोद जी आपके पास आना चाहूंगा। 72 के रेट से होल्ड कर रहे हैं, अब देखे तो 17-18% नीचे की तरफ ऑलरेडी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली यहां पर क्या कोई गुड न्यूज दिख रही है कि यहां से कोई अपॉर्चुनिटी आए, वापस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक? स्टॉक का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस का रीजन है तो देखिए कि आप लास्ट ईयर FY24 में देखें तो कुछ बहुत बड़ा रोड क्षेत्र में ऑर्डर अवार्डिंग हुई नहीं है। ओनली लगभग 2500 किलोमीटर की ऑर्डर अवार्ड हुआ। इवन सो फार फर्स्ट हाफ भी ये फिजिकल का देखे तो काफी म्यूटेड रही है ऑर्डर अवार्डिंग। अभी यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है कि सेकेंड हाफ जो है काफी बेहतर होगा फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू ऑर्डर अवार्डिंग। और गवर्नमेंट ऐसा भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी ज्यादा फोकस BOT में स्पेस में है, तो BOT स्पेस में जिस हिसाब से IRB का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, BOT क्षेत्र में एग्जीक्यूशन करने का, वहां पे मुझे लगता है ये कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है आने वाले समय में। ऑर्डर बुक की जो है बात करें, लगभग 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, काफी रोबस्ट लगता है ऑर्डर बुक। अर्निंग्स ग्रोथ मुझे लगता है कंपनी इजिली कैन अचीव लगभग 10 से 12% का अर्निंग ग्रोथ नेक्स्ट 2 से 3 साल में अचीव कर सकता है। यस, कंसिडरिंग एवरीथिंग मुझे लगता है कि अगर कोई ये नियर टर्म में शायद थोड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंस रखे, बट ओवरऑल मुझे लगता है ऑर्डरिंग एक्टिविटी गवर्नमेंट के साइड से रिवाइव होती है तो स्टॉक चल सकता है। मेरा सलाह रहेगा कि स्टॉक को लगभग 1 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, रेदर देन 1 या 2 महीना पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 साल के हिसाब से मुझे लगता है होल्ड करनी चाहिए।